Hello, hi guys, good morning everyone. तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. तो जैसा कि हमने लिख कर आपको समझ आ गया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन. तो दिवाली के बाद बहुत दिनों बाद आज मैं आई हूँ क्लीनिंग करने. तो हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं था बट फिर भी क्लीन करना था तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगे. तो सबसे पहले मैं बिस्तर क्लीन कर लूँगी. तो मैंने बिस्तर क्लीन करके फिर तकिया वगैरह लगा के रख दिया है और मैं अलमारी वगैरह क्लीन कर रही हूँ. तो मैंने इस दिवाली ये रेड वाले कागज बिछाए थे और सॉरी मुझे व्हाट्सएप तो मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है तो उसके लिए सो सॉरी. मैंने फटाफट से सारा अच्छे से क्लीन कर दी क्योंकि फिर ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता क्योंकि मैंने दिवाली में ही क्लीन की हुई थी. तो उसको ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है. तो बस जो इधर उधर थोड़े बहुत सामान हुए थे उसको मैंने वापस से जगह से रख के झाड़ू वगैरह लगा दिया है.
क्लीनिंग कर ली है अभी, हम लोग देख सकते हो। और ये जो दिख रहा है, ये मैंने कागज़ दिवाली में लगाया था, वो आप लोग को नहीं दिखाया था, बट मैंने दिवाली में ही लगाया था, तो जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है, मुझे काफ़ी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, मतलब हमेशा न्यूज़पेपर चेंज नहीं करना पड़ता, उससे हो जाता है। और बस ऊपर से आप क्लीन कर दो। और मैंने दो छोटी इसलिए किए, उसको मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि मुझे बाल लंबे करने हैं और ठंडी में कम उलझे, इसलिए मैं दो छोटी कर लेती हूँ। तो बस यही है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। आप सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं बनाती हूँ आलू का पराठा, उसके लिए मैंने मिर्ची लगाया, तेल अच्छे से फ्राई कर लिया, ब्राउन होने का, और फिर मैंने ये बॉल डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया है, और कुछ एक सूखी मसाले में उसमें ऐड करेंगे। तो मैंने फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं डालूँगी नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डालें, और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें मैंने डाल दिया आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना है। और मैं ऐड कर रही हूँ अचार, आम के अचार का जो उसमें तेल होता है वो, क्योंकि मैंने आमचूर थोड़ा सा ही डाल रहा था, ज़्यादा नहीं डाला था। अगर आप ज़्यादा डाल रहे तेल डालने स्किप कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से चला दिया, चलाने के बाद से मैं इसमें डाल दूँगी हरा कटा हुआ धनिया। तो मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और धनिया डाला हुआ है, और इसके बाद से अब मैं हरा धनिया डाल दूँगी इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद से। तो ऐसे अच्छे से इसको ब्राउन होने तक, जब तक थोड़ा थोड़ा सा कढ़ाई ऐसा चिपकने लगे ना लगे, तब तक आपको चलाना है, और फिर इसमें धनिया डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उसे ठंडा होने देंगे, तो मैं चटनी तैयार कर लूँगी। तो मैंने लिया लहसुन की पत्तियाँ और 5-6 हरी मिर्च और धनिया लिया मैंने, उसमें हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, धो के अच्छे से, मैंने पहले धो लिया था फिर इसको कट किया था, और हम इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे, और नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं वो वाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये रेडी है। तो यहाँ पे मैंने पराठा आलू की लोइयों में मैंने उसका मसाला भर के तवा पे डाल दिया था, तो मैंने ज़्यादा ब्रीफली नहीं दिखाया आप लोगों को। तो मैंने इसे दोनों तरफ से सेक लिया है, मतलब तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया था, तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया था। मैं इस पर तेल डाल के इसको मैं तैयार कर लूँगी। तो हम इसको तेल डाल चारों तरफ अच्छे से इसको लगा देंगे तेल को, और इसको पलट देंगे, और हम इधर साइड भी तेल लगा देंगे। देख सकते हो मेरा पराठा कितना फुला फुला सा बना हुआ है, आपका भी ऐसे ही बनेगा, अगर थोड़ा सा इसका ध्यान रखे कहीं फटे ना। हम इसे अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से ब्राउन तक सेक लेंगे, और आप देख सकते हो ये कितना क्रिस्पी बना है, कि मैं काट रही हूँ पिंजे की तरफ, तो ये कट भी जा रहा है।